आप यहाँ किसकी ओर से? लड़की वालों की तरफ से। लड़की वालों की तरफ से? तो यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? लो पकड़ो और चलो मेरे साथ। अब यहाँ खोटे की तरह क्या जमे हो? अरे चलो मेरे साथ, कितना काम पड़ा पता है? गौरजान, आपके पहलू में तो वक्त का पता ही नहीं चलता। आपके हुस्न की तपिश इनायत खान को तड़पाए। है तड़पे आपकी दुश्मन का हर जान भी आपकी, उसकी जान भी आपकी। हाजिर तो हूं आपकी कदमों में। फिर भी तड़पा तो तुम रही हो। सरकार, उस्मान साहब निहायत जरूरी काम से आपसे मिलने के लिए आए हैं। यहाँ? अल्लाह, यहाँ भी आप पहुंचे मुंह हैं, एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं देते। कमबख्त मारे आपको। जाइए बुलाइए, जाइए मिल लीजिए उनसे। जाने मन, अब आपकी बात टाल भी तो नहीं सकते। बोलो उस्मान, क्या बात है? हुजूर, शेलार की बेटी का निकाह हो रहा है। एक से बला की खूबसूरत नाजरी ने निकाह में शिरकत करने आई है। अच्छा, निकाह का कर जमा कर दिया कमबख्तों ने? जी नहीं हुजूर। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आपकी इजाजत के बगैर। खामोश बेवकूफ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना कर अदा किए कोई भी काफिर शादी नहीं कर सकता। जाओ, उठा लाओ सारी हसीनाओं को, लूट लो सारी दौलत, शादी को बर्बादी में बदल दो। और हां, खाली हाथ लौटोगे तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो तुम्हारे पुराने सरदार रहमत खान का हुआ था। जाओ। साहिब, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। मां साहिब, आप अपनी चिंता का कारण अपनी बेटी को भी नहीं बताएंगी? सही, शिवबा जो करने जा रहे हैं उसके बारे में सोचकर हमारा मन सिहर उठता है। मां साहिब, राजे ऐसा क्या करने वाले हैं? शिवपा जो सोच रहे हैं उसकी कल्पना आज तक किसी हिंदुस्तानी ने नहीं की होगी। हे देवा, क्या चाहते हैं हमारे राजे? अधिकार। अधिकार? हाँ सही, शिवबा तोड़ना किले पर अधिकार करना चाहते हैं। तोड़ना किले पर अधिकार? तुम
खान साहब, हमने तो सुना है कि मराठा सरदारों को किले रखने का अधिकार आदिल शाह ने दिया ही नहीं है। यहाँ तक कि पापा साहब के पास भी कोई किला नहीं है। सही सुना है आपने, हमारे शिवबा इसी भ्रम को तोड़ना चाहते हैं। उनकी ये सोच है कि अगर ये धरती हमारी है तो इस पर बनी हर चीज पर हमारा अधिकार होना चाहिए। सुनिए, आपको पहले कभी देखा नहीं। आप वर पक्ष से हैं या वधु पक्ष से? वो देखिए, आप इस ओर मत जाइए, आप उस ओर जाइए, क्योंकि इस ओर सिर्फ जागीरदार शिवाजी राजे और वर पक्ष की बैठने की व्यवस्था है। हम वर पक्ष की ओर से हैं महोदय। अच्छा अच्छा, आइए आइए, पधारिए आइए। अरे देखो, अगर आज ये ना होते तो तीर सीधा हमारे राजे को लगता। कौन है वो दुस्साहसी जिसने हमारे राज्य पर तीर चलाने का दुस्साहस किया है? वो खुद सामने आए।
मान चाहते हो तो चुपचाप सारी लड़कियां हमारे हवाले कर दो और अपने सारे जेवरात भी। किसने की जरूरत हम पर हमला करने की? उनके कारिंदों पर हमला किसकी जरूरत है? नहीं नहीं, इन बुजदिलों की तो इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। जरूर कोई बदनसीब सरकश आदमी इनके बीच में है। किसने अपनी मौत को ललकारा है? सामने आ कमबख्त, सामने आओ। कौन हो तुम? हमने मारा है ये खंजर। और सुन लो, बदनसीबी और कमबख्ती हमने तुम सबके भाग्य में लिख दिए। क्योंकि अब तुम्हारा सामना है शिवाजी राजे भोसले से। माशाल्लाह, माशा अल्लाह, अपनी मां से कहना कि मिर्चे उतार दे वरना नजर लग जाएगी। दूध पीते बच्चे के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मजा आ गया। जाओ जाओ बच्चे, जाओ बच्चे, अपने पुरखों से जाकर पूछते तो वो तुम्हें बताते कि इस धरती के बच्चे ने कालिया नाग के सातों फनों को अपनी एड़ी के नीचे कुचल दिया है। जाओ और जाकर पूछो अपने सुल्तान आदिल शाह से, उनके वजीर आलम मुस्तफा खां से, और पूछो शिरवल के अमीन मियां रहीम से, वो तुम्हें कांपती हुई आवाज में बताएंगे कि ये बच्चा क्या क्या कर सकता है। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। खाली हाथ जाकर पूछना तोहीन है हमारी। यहां से तुम्हारी लाश लेकर जाऊंगा, गिरफ्तार कर लो इस सरकश को। Yeah!
वरना तुम्हारे आदमी की फौरन मौत है। इसकी जान की सलामती चाहते हो तो शिवाजी मेरे सामने तलवार फेंक दे। एक हिंदुस्तानी को मौत की धमकी देता है धूल। हमारे रहते राजे पर आंच भी नहीं आ सकती। हम अपने राजे को नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ, हिम्मत है तो मार के दिखाओ। अरे धमकी क्या देता है, वो भी सह्याद्री का एक वीर योद्धा है। अपने प्राण दे देगा मगर हमारे राजे पर आंच नहीं आने देगा। तो ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी किए देते हैं। बोलो योद्धा, इससे कह दो क्या मराठा है मराठा। अरे शिवाजी राजे पर एक तो क्या सैकड़ों जाने बलिदान करने के लिए तैयार है। बदनसीब, तेरी किस्मत में मौत लिखी है। ठहरो 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 ठहरो। नहीं राजे, आप नहीं जाएंगे। हमारे लिए एक एक मराठा के प्राण बहुमूल्य हैं। हम आ रहे हैं, छोड़ दो उसे। राजे नहीं, राजे राजे नहीं, राजे नहीं, राजे नहीं, राजे राजे नहीं, राजे नहीं, राजे राजे नहीं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आगे बढ़, रुको गया, आगे बढ़। पहले छोड़ो उसे। छोड़ देंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। बड़ी होशियारी दिखा रहे थे कि जाकर पूछो सुल्तान आदिल शाह के से बच्चा कौन है। मुस्तफा खान से पूछो बच्चा कौन है। कहां गई सारी हेकड़ी, हाँ जल्दी से मेरी आगे सर झुका दो वरना इसकी गर्दन उड़ जाएगी।